हेलो भाई, वेलकम टू गौरव कार टेक। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रेनॉल्ट क्विड, जो कि एल्टो वगैरह की सेगमेंट की जो गाड़ी है उस सेगमेंट पे गाड़ी आती है। और अगर आप एल्टो वगैरह नहीं लेना चाह रहे तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, देख सकते हैं। और ये गाड़ी भी सेल्स के लिए है, अगर कोई बाइक खरीदना चाहे तो इस गाड़ी के लिए भी बोल सकते हैं। और बाकी इसकी जो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं गाड़ी खरीदने के लिए। और ये 2018 मॉडल है और तकरीबन 8500 किलोमीटर चली हुई है, 8500 किलोमीटर, और दिसंबर 31 दिसंबर 2018 का वेरिएंट है ये मॉडल है। और इसमें आपको 2019 का रजिस्ट्रेशन मिल रहा है। बाकी डिटेल आप गाड़ी की कितने की मिलती है कितने की नहीं मिलती वो आप व्हाट्सएप लिंक पर जाके, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक है, वहाँ जाके आप मैसेज कर सकते हैं, गाड़ी के बारे में जान सकते हैं। गाड़ी का थोड़ा वॉक अराउंड दे देता हूँ मैं आपको, कैसी गाड़ी है। कुछ इस तरह के हेडलैम्प्स हैं इसमें, हाइलोजन, साथ में इंडिकेटर, नीचे फॉग लैंप भी हैं, ये टो करने के लिए हुक, वहाँ कुछ इस तरह की ग्रिल है, बीच में रेनॉल्ट की ब्रांडिंग, कुछ इस तरह से व्यू आता है। गाड़ी साफ है, बाकी आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह की गाड़ी है। और वहीं साइड प्रोफाइल की बात करें तो कुछ इस तरह, इसमें फेंडर में ही आपको इंडिकेटर दिया हुआ है और 155/80/13 का टायर मिलेगा इसके अंदर विद स्टील रिम। 3 नट आते हैं इसके टायर में टोटल। थोड़ी बहुत स्क्रैचेस वगैरह आए हैं वो आपको दिख रही होंगी वीडियो में। ORBM ब्लैक ORBM है। ये आपका डोर हैंडल, सेंटर लॉकिंग है इसमें, बट खाली ड्राइवर और को ड्राइवर विंडो पावर है, बाकी जो पैसेंजर विंडोज हैं वो मैनुअल हाथ से ऊपर नीचे करने के लिए हैं। फ्यूल टैंक इसमें आपको राइट साइड पर मिलेगा। कुछ इस तरह का रियर व्यू है। ये आपका रियर टेल लैंप, नीचे इंडिकेटर, बैक लाइट, अंदर लाइट दी हुई है। कुछ इस तरह से एंटीना है इसमें, बीच में रेनॉल्ट की ब्रांडिंग, कंपनी फिटेड कैमरा है इसमें, रिवर्स कैमरा, क्विड की ब्रांडिंग, ये लॉक, पीछे रेनॉल्ट की ब्रांडिंग। रिवर्स सेंसर नहीं है इस गाड़ी के अंदर, सिर्फ कैमरा मिलेगा, रिवर्स सेंसर नहीं है। बाकी गाड़ी में आपको दूसरी तरफ से भी दिखा देता हूँ, ड्राइवर साइड से देख सकते हैं आप गाड़ी कैसी लग रही है देखने में, वहीं को ड्राइवर साइड से भी आप इसका लुक देख सकते हैं, गाड़ी देख सकते हैं आप गाड़ी कैसी है। स्क्रैचेस हैं माइनर जो कि रबिंग पॉलिश से चले जाएंगे, ऐसा कोई डेंट नहीं है। RXT वेरिएंट है ये रेनॉल्ट का। बाकी कलर काफी अच्छा है, मेटैलिक कलर है। वह इंटीरियर की बात करूं तो इंटीरियर में कुछ इस तरह की, इसमें आपको सेंटर की मिल जाएगी देख लेंगे, सैंडविच सेंटर लॉकिंग, ये अनलॉक का बटन, ये लॉक का बटन, मैनुअल की आती है। अब इसको मैं अंदर दिखा देता हूँ आपको, कुछ इस तरह की ड्राइवर डोर देखने के लिए मिल जाएगी इसमें आपको ब्लैक में, ये दर डोर खोलने के लिए क्रोम हैंडल, नीचे वाटर बोतल स्पेस, ये लॉक अनलॉक का बटन, मैनुअल वो फैब्रिक सीट्स, हेडरेस्ट एड ऑन है सीट के अंदर। गाड़ी साफ है काफी। ये बोनट खोलने के लिए, और ये लाइट एडजस्टमेंट, ये आपका एसी वेंट, कुछ इस तरह से हमें स्टीयरिंग देखने के लिए मिलेगा इसमें। दो एयर बैग आते हैं इसके अंदर, कुछ इस तरह का डैशबोर्ड, ये ग्लोव बॉक्स आपका, वहीं दो एसी वेंट, और क्लस्टर सिस्टम इसका ऑन करके दिखाता हूँ आपको, डिजिटल क्लस्टर सिस्टम है इसमें, काफी अच्छा लग रहा है देखने में। साइड में पेट्रोल गेज, नीचे किलोमीटर्स आ रहे हैं,
ये साइड में सारे इंडिकेशन है मीटर वगैरह उसके इंजन वगैरह के। कुछ इस तरह का इसमें तकरीबन 7 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाता है हमें। रिवर्स कैमरे की क्वालिटी दिखा देता हूँ इसमें आपको, कुछ इस तरह की रिवर्स कैमरे की क्वालिटी आती है इसमें विद गाइडलाइंस। रिवर्स सेंसर नहीं है, नीचे मैनुअल एसी कंट्रोल्स, ये टेम्परेचर के लिए, ये हवा कम ज़्यादा करने के लिए, मोड्स के लिए, ये एसी का बटन। अच्छा इसके ना ये तो होगा पार्किंग बटन, 1000 लाइट का बटन। ये सी ग्लास अप डाउन करने के लिए यहाँ पे को ड्राइवर का लेफ्ट साइड में और ड्राइवर का राइट साइड में, और गाड़ी लॉक अनलॉक करने का बटन भी यहाँ बीच में दिया हुआ है। आप देख रहे होंगे काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही है। नीचे 2 कप होल्डर, वहीं 12 वोल्ट का सॉकेट इसमें यहाँ पे दिया हुआ है। ये आपका USB पोर्ट, ऑक्स पॉइंट, मैनुअल 5 गियर ट्रांसमिशन के साथ आती है ये। थोड़ा स्पेस यहाँ भी, मैनुअल हैंड ब्रेक, येलो रीडिंग लाइट्स, IRBM इसके नॉर्मल है, डे नाइट नहीं है। यहाँ स्पीकर दिया हुआ, ब्लूटूथ कनेक्टर के बात करने के लिए, सन वॉइजर, शीशे वगैरह नहीं है इन गाड़ियों में, तरह शीशे वगैरह वैसे ही नहीं देते कॉस्ट कटिंग के चक्कर में। तो कुल ऐसा व्यू आता है गाड़ी के निकल के, देख रहे होंगे आप। इंटीरियर काफी अच्छा लग रहा है गाड़ी का देखने में। चलो भाई थोड़ा ड्राइविंग भी बता दूं आपको गाड़ी में कैसा है। देखो उठी तो गाड़ी ठीक है, और इसका डिजिटल मीटर काफी अच्छी लुक दे रहा है, और पिकअप वगैरह भी गाड़ी में सही बना होगा। गाड़ी अभी चली कितनी है, 8367 किलोमीटर। बाकी सीट भी कंफर्ट है, सेगमेंट के अकॉर्डिंग कोई ऐसी वो नहीं है कि सीट कंफर्ट ना हो, बल्कि जैसी अल्टो वगैरह में आती है आपको मुझे वही सीट लग रही है, कंफर्ट लग रही है बैठने में। थाई स्पोर्ट काफी अच्छी मिल रही है। देखो सेगमेंट के हिसाब से मिल रही है, काफी अच्छी सेगमेंट के हिसाब से है। अब कोई भाई बोले कि इतनी अच्छी स्पोर्ट नहीं है इसमें, सेगमेंट में इतनी अच्छी थाई स्पोर्ट नहीं है, कोई मैं भाई बोल रहा है, तो मैं वही चीज आपको बता दूं, तो ये जरूरी नहीं है भाई, सेगमेंट के हिसाब से स्पोर्ट मिलती है गाड़ी में, जैसे ही सेगमेंट उस हिसाब से थाई स्पोर्ट मिली हुई है। जैसा आप देख रहे होगे रोड खराब है आगे, तो थोड़ा शॉकर वगैरह भी अच्छे हैं गाड़ी के, स्टेयरिंग सॉफ्ट है काफी, बाकी मैंने गाड़ी के बारे में आपको सब कुछ बता दिया है कि कितनी चली हुई है, कौन सा मॉडल है। तो अगर आप एल्टो लेने की सोच रहे हैं तो स्विच कर सकते हैं, रेनॉल्ट क्विड पे भी अच्छी गाड़ी है। अब वहीं आपको पैसेंजर डोर भी दिखा देता हूँ। पैसेंजर डोर में बस ये गलत दिया हुआ ग्लास उतारने के लिए, ये लॉक अनलॉक का बटन, ये डोर अनलॉक करने के लिए। वहीं फैब्रिक सीट्स, हेडरेस्ट है, एड ऑन है सीट्स में ही, बाकी एसी वेंट वगैरह तो पीछे कुछ है ही नहीं। अब बूट स्पेस और दिखा देता हूँ इसका आपको। अच्छा बूट स्पेस का यहाँ फ्यूल टैंक के कैप के नीचे दिया हुआ है, बूट स्पेस आप यहीं से अनलॉक कर सकते हैं। पार्सल ट्रे भी है, पर बूट स्पेस काफी स्पेसियस है, देख रहे होगे आप, काफी स्पेसियस बूट स्पेस है, काफी अच्छा। नीचे आपका स्पेयर व्हील, स्पेयर व्हील अभी तक यूज नहीं हुआ, बिल्कुल नया पड़ा हुआ भाई। और
ये तो एक्सयूवी 300 वगैरह से ज्यादा स्पेस है भाई, इसमें बूट स्पेस तो काफी, एल्टो वगैरह से भी ज्यादा बूट स्पेस है। एक्सयूवी 300 का मैंने नाम सॉरी गलत लिया, बाकी जो इस सेगमेंट की गाड़ी उनसे तो काफी अच्छा बूट स्पेस है। तो भाई ये थी गाड़ी पूरी आपका आगे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं और गाड़ी परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके मैसेज कर सकते हैं आप। बाकी वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है आपके लिए और काफ़ी अच्छी कंडीशन में गाड़ी मिल जाएगी आपको काफ़ी रीजनेबल प्राइस में। बाकी चैनल सब्सक्राइब करके जाएं और कमेंट में बताएं कि आपके लिए सेकंड हैंड गाड़ी भी सेल्स के लिए वीडियो पे चैनल पे लाया करूं या ना लाया करूं। और बाकी ऑनरशिप रिव्यू तो अपने चलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो देखते बट चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।